TVS XL बाइक BS6 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी बाइक चलाता है तो पीछे से खट खट एक साउंड आता है, मतलब जब भी बाइक को छोड़ता है उसी टाइम भी आवाज़ करता है और चलता है तभी फिर आवाज़ करता है। अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो, मतलब इसमें हमने कुछ इस प्रकार से हाथ रखा और ये देखो पहिया इतना प्ले है, मतलब इसके अंदर जो कपलिंग रोबोट है ये प्ले हो गया। अब आपको बिल्कुल देसी तरीके से बताने वाला हूँ, आपको देसी जुगाड़ किस तरह से लगाने का उसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। देख सकते हैं गाइस, ये देखो, मतलब पहिया कुछ इस प्रकार से प्ले हो रहे हैं और ये देखो, मतलब ये जितना प्ले होना चाहिए ये भी प्ले होना चाहिए, लेकिन इसमें हमने हाथ रखा और ये देखो इतना प्ले है। चलता है तो ऐसे कुछ इस प्रकार से खट 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 एक साउंड आता है। अब आपको पहिया को खोलने के बाद बताने वाला हूँ, हमने पहिया को बाहर ले लिया है, अब आपको बताने वाला हूँ इसमें। ये देखो गाइस, ये कपलिंग रोबोट है, ये इधर से प्ले हो गया है, इसका वजह से ये खट खट साउंड आता है। अब ये नया लगाएगा फिर भी चलेगा और इसको हमने आपको रिपेयरिंग करके बताने वाला हूँ किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है। कुछ इस प्रकार से हमने ट्यूब को काट लिया है और इसमें कुछ इस प्रकार से हमने माप कर लिया है, इतना बड़ा आपको कम से कम 4 टुकड़ा करना पड़ेगा तभी इसमें लगाने के बाद ये प्ले रुक जाएगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से हमने काट दिया है, ये देखो। अब इसमें एक एक करके आपको लगाना पड़ेगा, ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया है, ये देखो हमने जुगाड़ बना दिया गाइस। इसी तरह आप जुगाड़ बना करके काम कर सकते हैं, ये देखो। अब आपको लगा के दिखाने वाला हूँ इसमें प्ले ख़त्म हुआ कि नहीं। हमने बोर्ड को टाइट करके ले लिया है, अब आपको दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं गाइस, ये देखो अभी ये ज़रा से भी प्ले नहीं है, ये देखो अब ये दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, देख सकते हैं, देखो। इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक करो और जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।